हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं, और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं, साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है, और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर, आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।